कुख्यात नक्सली नेता कोबाड़ गांधी को गुजरात के सूरत की कठोर कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक 2010 में सूरत के कामरेज पुलिस थाने में दर्ज केस के मामले में नक्सली नेता को झारखंड के हजारीबाग जेल से सूरत लाया गया। इससे पहले कोबाड़ गांधी को ट्रांसफर वारंट पर गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया। कामरेज पुलिस स्टेशन द्वारा सीपीआई माओविस्ट संस्था के नेताओं पर एफआईआर दर्ज दाखिल की गई थी। कोबाड़ गांधी को स्थानीय अदालत ने 31 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। ये नक्सलाइट जो एक्टिविटीज़ है उनमें ये जो पूना से अहमदाबाद जो गोल्डन कॉरिडोर उनको माना जाता था उनमें ये सब एजेंडा वगैरह ये फिक्स करते थे और जो मैंडेट देना है वो भी यही एक्यूज़ करता था ये काम। इसके अगेंस्ट में टोटल इंडिया में 18 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हुए थे और दिल्ली में एक ऑफेंस में उसको सजा भी हुई है। ओडिशा में पकड़े गए नक्सलियों ने बयान दिया था कि दक्षिण गुजरात में नक्सलवाद सक्रिय करने के लिए काम चल रहा है। इस बयान के आधार पर दक्षिण गुजरात में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोबाड़ गांधी पर दक्षिण गुजरात में नक्सलियों के लिए स्लीपर सेल तैयार करने, उन्हें यहाँ छिपाने के लिए ठिकाने तैयार करने के साथ साथ सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगे हैं। सरकारी वकील नयन सुखड़वाला ने बताया कि अहमदाबाद और पुणे को नक्सली गोल्डन कॉरिडोर मानते हैं। इन इलाकों में नक्सली गतिविधियों को पनपाने और इससे प्रभावित युवकों को दिशा निर्देश देने का काम कोबाड़ गांधी के जिम्मे था। झारखंड पुलिस ने उसे 2017 में ही पकड़ लिया था, लेकिन सूरत पुलिस को अब सौंपा जा सका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।